हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटे मसाले छोले। ये छोले उबले हुए हैं, दो कटोरी। अब हमने लिया है कड़े जिसमें डालेंगे हम तेल। तेल गरम होने के बाद ये हो गया तेल गरम और डाल दिए छोले। और ये छोले फ्राई करने हैं लाइट ब्राउन होने तक। और ये गैस की तेज आंच पर गैस करना है, स्लो गैस पे नहीं चलाना है। और ये सब छोले डाल दिए हैं मैंने और इसको अभी फ्राई करना है। फ्राई करके इसको ब्राउन बनाना है। फ्रेंड्स, ये फ्राई हो रहे हैं। ये छोले जो मैं दो कटोरी लिए थे ये रात को भिगो कर रखे थे। अभी ये लहसुन डालना है, 10 से 15 कलियां छिलके के साथ। अभी छोले लहसुन फ्राई हो रहा है तेल में। अच्छा, मैं बताने जा रहा था आपको कि छोले रात को भिगो कर रखे थे और दूसरे दिन सुबह इसे कुकर में एक सीटी थोड़ा नमक डाल के उबाले थे। वही छोले में दो कटोरी इसमें डाल दिए। अभी ये फ्राई हो रहा है, अब हम इसे निकालेंगे। ये थोड़ा ब्राउनिश हुआ है, थोड़ा और करते हैं। हाँ, ये हुआ है थोड़ा क्रिस्पी टाइप। इसे फ्राई करना है और हाई फ्लेम पे करना है और छोले क्रिस्पी होना जरूरी है, तभी खाने को थोड़ा लाजवाब लगेगा, वो टेस्टी लगेगा। और फ्रेंड्स, ये स्टार्टर के लिए भी बहुत बढ़िया है, ये एज अ स्टार्टर भी यूज कर सकते हैं ड्रिंक्स के साथ। अभी ये फ्राई हो चुका है, अभी हम इसे निकालेंगे। ये हम एक जाली लेंगे और ये जाली में डालेंगे। जाली में से तेल नीचे गिर रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। और ये तेल जो है फ्रेंड्स, ये तेल हाई फ्लेम में ही इसे गरम करना है। देखो कैसा क्रिस्पी लग रहा है। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे, जो प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर डाला है ताकि उधर भी वो तेल टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब करे। अभी ये मैं पूरा निकाल रहा हूँ और ये निकाल के पूरा तेल छिड़क रहा हूँ और वही मैं वो टिश्यू पेपर में डाल दूंगा और उधर भी और तेल एब्जॉर्ब करेगा। बड़ी अच्छी बात है कि तेल सब एब्जॉर्ब हो रहा है। अभी फ्रेंड्स, मैं ये सब जो है एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर डाल दिया है। चलो अभी हम मसाले डालते हैं। ये रहा नमक, थोड़ा नमक स्वाद अनुसार। और इसके बाद आप डालेंगे हम जीरा, जीरा पाउडर आधा चम्मच। जीरा पाउडर बहुत हो चुका है। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम डालेंगे
चाट मसाला। चाट मसाला दो कटोरी है छोले, तो एक चम्मच लेना जरूरी है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक चम्मच लेना जरूरी है। और इसके बाद मैं डालूँगा लाल मिर्च पाउडर। ये लाल मिर्च पाउडर मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रहा हूँ, मुझे टिक्का अच्छा लगता है, तो आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। अब मैं ये सब चीज़ को जो है इसको अच्छे से मिक्स करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल डी किचन को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।